हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जो बीएसएफ की न्यू वैकेंसी अपडेट है। तो 10th पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप ग्रेजुएट हो तभी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कांस्टेबल जीडी में भी इधर न्यू वैकेंसी है, तो इम्पोर्टेंट है, मेल फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल आप चेक कर लीजिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कितनी इसमें वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, पेपर पैटर्न किस बेस पे आने वाला है, तो पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिल पाएगी। तो अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जॉब्स अपडेट, एजुकेशनल अपडेट सारे टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे डिटेल में समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जे रहा फ्रेंड्स आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहाँ पे डेट देख सकते हो आप, ओपनिंग यानी कि 27 से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और 26 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो 12 बजे तक। तो बीएसएफ में जे आपकी जो एडवर्टीजमेंट आई हुई है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पे देख सकते हो आप सब इंस्पेक्टर देख सकते हो, सब इंस्पेक्टर, कॉन्स्टेबल, स्टोरमैन की जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसीज आपको नीचे बता दिया जाएगा। तो आपने लॉग इन करना है बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आपको पूरा लॉग इन आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, 28 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और कांस्टेबल के लिए 20-25 ईयर्स के बीच आपकी होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन आपको 5 साल का एससी एसटी, ओबीसी का 3 साल और एक्स सर्विसमैन का 3 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। तो मैक्सिमम भी एज लिमिट जहां पे बात करी गई आपसे, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले देख लीजिए जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, इसके लिए आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। किससे, जो डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन है, जो ग्रुप एक्स डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इंडियन एयरफोर्स से, ठीक है। उसके बाद जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, जहां पे भी ग्रुप एक्स, अगर आप रेडियो डिप्लोमा आपको इंडियन एयरफोर्स ने दिया हुआ है, इसमें अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आपके पास सिविल एविएशन और टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का होना चाहिए। और कॉन्स्टेबल स्टोरमैन के लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन पास चाहिए विद साइंस के साथ या किसी भी बोर्ड से, ठीक है। और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए स्टोर का, वेयर हाउसिंग का, ठीक है, जी आपके पास होना चाहिए। हाइट आपकी कितनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल की 155 सेंटीमीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए। चेस्ट कितनी चाहिए, 76-80 सेंटीमीटर और वेट आपका हाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग रखा जाएगा। तो स्टोरमैन के लिए 165 सेंटीमीटर, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है, वो पूरा टैटू साइज और जो भी इशियारा का टेस्ट रहता है, आई टेस्ट रहता है, सेम टू सेम प्रोसेस वो आपका होता है। तो फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या होगा, आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा 2 आवर का, 100 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और टेक्निकल सब्जेक्ट आपका होगा 100 मार्क्स का। उसके बाद फेज सेकंड आपका होगा, जिसमें आपका फिजिकल वगैरह लिया जाएगा, जिसमें आपका क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका किया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब